गाइस ने बहुत गाइस ने लाफ इन कैमरा बंद कर रही हूं अपना बहुत सारा ख्याल है मेरा अपने आवाज सुनिए लाफ इन गाइस बाय बाय मैं वीडियो बंद कर रही हूं अपना लाफ इन गाइस। हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आ गई हूं नए व्लॉग के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जाऊंगी घूमने के लिए, तो मैं आ गई हूं अपनी नानी की तरफ। देखो देखो ये बच्चा मुझे देख के हंस रहा है। खैर इसे इग्नोर करते हैं, खैर गाइस अपनी बातें कर रहा है, हंस रहा है। खैर हम लोग तो जा रहे थे नानी, हमारे गाँव में एक बहुत खूबसूरत सा बाग है, मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि हमारा गाँव कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। चले चलते हैं, और वो भी आम का बाग है, बगीचा है एक, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलते हैं बगीचे की तरफ। और गाइस आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत खूबसूरत गलियां हैं, साफ सुथरी। मुझे तो यहाँ के बहुत मज़ा आते हैं। मेरी नानी का जो गाँव है ना, माशाल्लाह वंडरफुल। गाइस मेरा दिल करे तो मैं छुट्टियों पर यहीं रहूँ, लेकिन काम बहुत होता है और व्लॉग भी बनाना होता है, अलग अलग जगह ये जाना होता है। तो मैं आ गई हूँ अपनी नानी की तरफ, से चलते हैं बगीचे की तरफ। पहली बार जा रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, और शाम का वक्त है, बहुत मज़ा आएगा। और आम के बगीचे में तो आम भी होंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और बहुत सारे आम तोड़ के भी लाऊंगी। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि गुड़म्बा ये सब बनता है, तो मैं और भी ले आऊँगी और बनाऊँगी। मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन मेरी नानी को बहुत पसंद है। सो गाइस हम इंटर हो चुके हैं। ये देखिए आप कितना प्यारा सा खेत है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अभी हम आगे जाते जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इंटर होते ही मुझे पहले खेत नज़र आ गया, बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह। यहाँ पे रहने वाले कितने खुश नसीब हैं, जैसे कि मेरी नानी बहुत खुश नसीब है। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए गाइस व्यू चेक करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। शाम का वक्त है और बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। और गाइस यहाँ पे बिल्कुल सुकून है, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैं तो आई हूँ और एक्साइटेड हूँ, आगे क्या कौन सी चीज़ें आती हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें आप व्यू चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो देख कर ही खुश हो गई कि इतना सुकून तो हमारी कराची में नहीं है जितना हमारी नानी के गांव में। गाइस आप लोग के भी गांव में तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन जून जुलाई की छुट्टियों पर कहां कहां गया और कहां गए। मैं तो अपनी नानी के घर आई हूं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं बाग में आई हूं, आप देख सकते हैं व्यू चेक करें, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब तो मैं यहीं आया करूँगी, जब भी मुझे सैड फील हो मैं तो यहीं आके सुकून से बैठ जाऊँगी। बहुत बहुत प्यारी जगह है गाइस। सो गाइस मैं आपको बताना ही भूल गई, मैं अपनी नानी के घर आई हूँ मुल्तान। आप लोगों को बताना भूल गई, बस मैं ये कब से बोली जा रही हूँ नानी के घर आई हूँ, नानी के घर में नहीं, मैं आई हूँ मुल्तान अपनी नानी के घर। और मुल्तान बहुत खूबसूरत है, गर्मी बहुत है लेकिन खूबसूरत बहुत है। और यहाँ पर आम माशाल्लाह के एरियो की तो बरसात है यहाँ पर। ये इस बागीचे में ना आपको मैं चलती हूँ, वो देखो सामने दरख्त है, मैं आपको दिखाती हूँ केरिया गिरी ऐसे बिछी हुई है ना गाइस, माशाल्लाह। देखें चले मैं आपको लेके चलती हूँ दरख्त की तरफ, और आप देख के बताइए कि हमारे कराची में कहीं ऐसे बागीचा होगा या कहीं पे भी, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे ना केरिया पसंद नहीं है, मुझे आम बहुत पसंद है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे केरिया ही लटकी हुई है, आप देख सकते हैं। और नीचे तो ऐसे बिछी हुई है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखें आपको नज़र आ गया होगा, और नीचे तो समझो केरिया बिछी हुई है। गाइस बस एक ही मसला है, एक गाइस ये लोग ना तोड़ने नहीं देते दरख्त पे, जो नीचे गिरी हुई होती है ना वो छुपके से उठा लो। आए हाय इतना मज़ा आता है गाइस, किस किस का ये काम है चोरी करना। खैर ये चोरी नहीं है, लेकिन उठाने में बड़ा मज़ा आता है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए किस किस के अंदर ये आदत है। गाइस व्यू चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आगे। ये देखिए गाइस कैसे आम केरिया लगी हुई है, और जब ये आम बनेंगे कितना मज़ा आएगा गाइस। गाइस मैं तो आम आने का बहुत इंतज़ार करूँ, किस किस ने आम खा लिए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप व्यू चेक करें कि कोई ऐसा दरख्त नहीं है जिस पर केरिया ना हो, हर एक दरख्त पर केरिया केरिया, और ऐसी बिछी मैंने केरिया, जहाँ जाओ पैरों पे आ रही केरिया। खैर आप व्यू चेक करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू है।
देखिएगा गाइस यहाँ पे कितना सुकून है, बहुत प्यारा नज़ारा है और बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। अगर आप मुल्तान आए तो अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं या कोई भी है तो इस आम के बागीचे में तो लाजमी आइएगा, बहुत 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 सुकून है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। और गाइस हर कोई सुकून ही चाहता है और सुकून के लिए छुट्टियों पे निकलता है कि मज़े करेंगे और नानी वगैरह के घर जाएंगे, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, पिकनिक पे जाते हैं सब, बहुत सा अक्सर लोगों को मैंने देखा है पिकनिक पे जाते हैं। और हम लोग तो भाई नानी के घर जाते हैं क्योंकि भाई हमें तो अपने नानी के घर में ही जाना होता है और एक छुट्टियाँ ही होती हैं जिसपे हम नानी के घर घूमने जा सकते हैं और फैमिली के साथ ही मज़ा आता है। गाइस आप लोग मुल्तान आए तो इस बागीचे में लाजमी आएगा, या आपके रिलेटिव रहते हैं तो आप लोग लाजमी इस बागीचे में आइएगा। और कौन कौन आ चुका है इस बागीचे में आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये देखिए गाइस दरख्त कितने प्यारे प्यारे हैं, व्यू चेक करें गाइस। गाइस मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये व्लॉग बना रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊंगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो आप इस बागीचे को देखते हैं, बहुत खूबसूरत बहुत ही प्यारा मंजर है। गाइस ये देखिए कुआं, गाइस आप लोगों ने नोट किया ये कुआं, चलिए आइए मैं आपको कुआं दिखाती हूँ, चलिए चलते हैं। आइए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कुआं, चलते हैं कुएँ की तरफ। ये देखिए गाइस ये तो मैंने पहली बार देखा है, मुझे नहीं पता था यहाँ पे कुआं भी। खैर गाइस ये देखिए बिल्कुल अंधेरा, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। खैर इसमें पानी वानी तो नहीं है लेकिन मुझे नहीं पता था बागीचे में कुआं होते हैं, आज पता चला है मेरे मामू वगैरह ने बताया है, क्योंकि मैं तो आई यहाँ पे पहली बार हूँ। खैर चलते हैं और बागीचा दिखाती हूँ अंदर से कितना खूबसूरत है। माशाल्लाह व्यू चेक करें गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सुकून है। आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे, विज़िट करिएगा आम के बागीचे में और आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। और देखें आप लोग हर तरफ की हरियाली हरियाली है, मैं बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत प्यारा व्यू है, आप देख सकते हैं हर तरफ हरियाली हरियाली और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत सुकून है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये जगह कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। यकीन करें गाइस, गाइस आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी चिड़ियों की चहचहाट, बहुत सुकून है गाइस। किस किस को पसंद है चिड़ियों की आवाज़ें, ये जो जंगलों में आती हैं या बागीचे वगैरह में, और इतना सुकून है गाइस। बहुत आप व्यू चेक करें और सिर्फ आवाज़ सुनो चिड़ियों की, आपको बहुत मज़ा आएगा, मेरे साथ साथ आपको भी मज़ा आएगा क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ऐसा फील करेंगे कि आप मेरे साथ हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि आपको ये जगह कैसी लग रही है, बागीचा आपको कैसा लगा। और गाइस आप लोग बताइए आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, आपको ये बात कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये बागीचा कैसा लगा, और जो जिनके रिलेटिव मुल्तान में रहते हैं वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग इस बागीचे में आए हैं या नहीं, और कौन कौन जो जुलाई में घूमने जा रहे हैं। और गाइस शाम का वक्त है, मगरिब होने वाली है, बस घर के लिए रवाना होने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी नहीं मिल रहा, चलिए आइए मैं आपको पहले कुआं दिखा देती हूँ। आपने इसलिए पहले जब मैंने दिखाया था कल से नहीं दिखाया, मैं अभी आपको दिखाऊँ। गाइस अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है और अंधेरा है, आप देख सकते हैं, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कैमरे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आई होप आप लोगों को सही से कुआं दिख गया होगा। और गाइस यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट बहुत सुकून है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है, व्यू चेक करें आप बस। अभी मैं आपको कैरियर भी दिखाती हूँ कैसे बिछी हुई है कैरियर बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ दरबार टाइप बना हुआ है। और चलिए आइए मैं आपको व्यू चेक करें गाइस, सिर्फ और सिर्फ व्यू चेक करें। ये देखिए दरख्त पे आ गए जिसमें कैरियर लगी हुई है, और ये देखिए मैं अभी आपको कैरियर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पहले भी उठा लिया, अभी मैं और उठाने लगी हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस इतनी प्यारी प्यारी केरियाँ हैं, नीचे ऐसे गिरी हुए हैं, मैं भी आपको दिखा दूँगी। ये देखें गाइस ये आप केरिया देख सकते हैं, ये मैंने उठाया, ये देखें गाइस बहुत सारी ऐसी केरियाँ यहाँ पे गिरी हुई हैं बिल्कुल ज़मीन पर, और मैंने उठा लिया है और भी मैं उठा रही हूँ। ये देखें मामू हैं उठा के लेके जा रहे हैं,
फिर मेरी नानी ने कहा था जल्दी घर आ जाओ, लेकिन इन लोगों को कोई हो ही नहीं कि घर जाना है और टाइम नहीं है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना कि आप लोगों को व्यू कैसा लगा। मुझे नहीं, मैं अब अक्सर यहीं आया करूँगी इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये देखिए केरियाँ, ये भी मैं खा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ऐसे कितनी सारी केरियाँ ऐसे बिछी हुई हैं यहाँ पर, और बहुत प्यारा बाग है, बहुत खूबसूरत बाग है। आप देख सकते हैं, व्यू चेक करें आप बस, और आप लोग को कैसा लग रहा है ये बाग और व्यू देख सकते हैं। यहाँ हर तरफ हरियाली हरियाली है और बहुत सुकून है बहुत। गाइस आप देख सकते हैं अंधेरा बिल्कुल होता जा रहा है, शाम होती जा रही है और अंधेरा आ रहा है, और मेरे घर वालों का नाम नहीं है बाहर घर जाने का, मेरी नानी बहुत गुस्सा करेंगी। इन लोगों को मैं बोल बोल के थक गई हूँ, चलो चलो, और वो भी कहती हैं कि रात के वक्त मगर उससे पहले घर में आ जाओ, बागीचे वगैरह में नहीं रहना चाहिए। तो मैंने इन लोगों को बोल बोल किसी के बोली नहीं रुक जाओ रुक जाओ। खैर गाइस इन लोगों को रुकने का इरादा है, तो मैंने कहा मेरे साथ कोई आ जाओ, मैं व्लॉग बना रही, कोई भी नहीं आया। मैं अकेले पूरे बाग में घूम रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है। मेरी नानी की बातें याद आ रही हैं कि अकेले नहीं घूमने का, ये दरख्तों के पीछे ऐसे वैसे। खैर वो बड़ी है, वो बोल सकती है। ये देखिए आपको मैंने कुआं भी दिखाया था अभी, और बहुत खूबसूरत ये बाग है, बहुत खूबसूरत यहाँ पे बाग है, खेत है, हरियाली हरियाली हर जगह। मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है, मज़ा भी आ रहा है। गाय तो गाय रात हो चुकी थी और मैंने उस टाइम में खाना वाना खा रही थी, मेरे घर वालों ने बना दिया था, मैंने कहा चलो अभी बना लेती हूँ। गाय अंधेरा हो रहा है और लिटरली मुझे बहुत डर लग रहा है, और सिर्फ मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट जली हुई है बैक, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था, एंड करना था। मैं आपको दिखाना चाह रही थी गाइस, मैं अपने घर वालों को बोल बोल के थक गई हूँ, फिर रात हो चुकी है, चल लो चल लो, लेकिन इन लोगों ने, ये लोग नहीं मान रहे, बोल रहे अभी चलते हैं थोड़ी देर में, और रात हो गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुआं में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई है, और मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस। अभी मुझे लिटरली मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई है, और मुझे बहुत डर लग रहा है। और मैं साथ कोई भी नहीं है, सब उस तरफ है लाइट की तरफ, और यहाँ मैं अकेले आई हूँ कि मैं दिखाऊँ कि रात का मंजर कैसा होता है। मुझे अभी बहुत डर लग रहा है गाइस, मुझे मेरी गलती हो गई कि मैं यहाँ आ गई, मेरे साथ कोई भी नहीं आया, बोले तुम जाओ हम लोग यहीं हैं, और मैं आ गई हूँ लोग बनाने के लिए। अब मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस, आई हूँ कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई है गाइस। मैं मुझे बहुत अजीब लग रहा है गाइस, मैं बस जल्दी आप लोग ले आई हूँ, और मुझे अभी बहुत डर लग रहा है। चलते हैं घर वाले की तरफ आराम आराम से, खैर मैं अभी पीछे नहीं देखूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे कोई है। अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे हाथ काँप रहे हैं और मुझे भी बहुत डर लग रहा है गाइस। खैर फिर भी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग देखें कि कैसे रात के वक्त भी बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। लेकिन गाइस लिटरली आपको बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, आप देख सकते हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी आई थिंक। लेकिन मुझे लिटरली गाइस मेरा हाथ ऐसा काँप रहा है, मुझे लग रहा है मेरे पीछे कोई है, लेकिन शायद मेरा वहम है। तो फिर खैर छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि रात में कैसा लगता है ये बागीचा। आप देख सकते हैं गाइस रात में वो भी बहुत सुकून है, लेकिन गाइस जो है दिल मजबूत होना वो ही रुक सकता है रात के वक्त भी। लगा सो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लास्ट बताइए कि आप लोग को ये बागीचा कैसा लगा गाइस। लिटरली अभी मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, और सिर्फ मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट जल रही है, और आगे पीछे अंधेरा ही अंधेरा है। और लिटरली अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, और लिटरली गाइस मेरे हाथ ऐसे काँप रहे हैं। आई नो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, लेकिन मुझे फील हो रहा है ऐसा गाइस, बहुत डर लग रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल लिटरली अंधेरा हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे साथ कोई भी नहीं है, और मुझे इतना डर लग रहा है गाइस, गाइस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पीछे कोई है गाइस, मैं तो जा रही हूँ गाइस, मुझे बहुत डर है।
गाइस अल्लाह हाफिज़, मैं कैमरा बंद कर रही हूँ अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आवाज़ सुनिए, अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय, मैं वीडियो बंद कर रही हूँ।